हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपनी आलू मेथी की पकौड़ी, यानी कि आलू मेथी की भजिया भी आप इसको कह सकते हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। लेकिन आज हम अपनी आलू मेथी की पकौड़ी में एक ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा और आपको ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं लगेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आलू मेथी की पकौड़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू मेथी के क्रिस्प पकौड़े बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है, 3 हरी मिर्च ली है जिसको बारीक काट लिया है, 3 टेबलस्पून चावल का आटा, थोड़ा सा हरा धनिया जिसको बारीक काट लिया है, 100 ग्राम बेसन लिया है। मसालों में हमने 1 टेबलस्पून मोटा धनिया लिया है, 2 टीस्पून अनारदाना पाउडर लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून हल्दी और 2 पिंच हमने अजवाइन लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और 5 से 6 हमने मीडियम साइज के बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, यानी कि आलू लिए हैं। तलने के लिए हम सरसों का तेल लेंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले एक ऐसा मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसके अंदर अपने जो ये आलू हैं हमारे बॉइल्ड पोटैटो उसको फोड़ लेंगे इस तरीके से। बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इनको ऐसे तोड़ लेंगे। हमने सभी आलू को अच्छे से तोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डाल देंगे, कसूरी मेथी इसको अच्छे से हाथों पर रब करके डालेंगे, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। सर्दियों में ये आपको फ्रेश मिल सकती है तो आप इसको फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अपना बेसन डाल देंगे, चावल का आटा, हरा धनिया, अब हम इसके अंदर अपने सभी सूखे मसाले डाल लेंगे। हम सबसे पहले अनारदाना पाउडर डाल देंगे। आपके पास अनारदाना पाउडर ना हो तो आप इसमें 2 टीस्पून आमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। धनिया डाल देंगे, साबुत धनिया, लाल मिर्ची, अजवाइन, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर। एक बार हम इसको चम्मच से अच्छे से मिलाकर फिर हम अपने हाथों से ही इसको मिलाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हाथों से मिलाएंगे। बस हमें इसको बाइंड करना है। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। थोड़ा सा और डालेंगे पानी। हमने लगभग इसमें 3 टेबलस्पून पानी डाला है। हमारे सारे मसाले और आलू इसके साथ अच्छे से मिल गए हैं। ये हमारे अच्छे से मिल गया है। अब हम इसको तलना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं हमने अपना सरसों का तेल डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अपने हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब हम इसमें अपनी पकौड़ी डालना स्टार्ट करेंगे। आप जब इसमें पकौड़ी डालना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले अपने हाथों को वेट कर लीजिएगा, यानी कि गीली कर लीजिएगा और उसके बाद फिर अपने इस बैटर को छोड़िएगा। छोटी छोटी हम पकौड़ी बनाएंगे। हम थोड़ी थोड़ी करके अपनी पकौड़ी बनाएंगे और अब हम इसको चला लेंगे बीच में और इसको बिल्कुल गोल्डन क्रिस्प होने तक हम इसको तल लेंगे। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन इसको हम अभी थोड़ा और गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसको आप बस बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहिए। अब हमारे ये बिल्कुल अच्छे से गोल्डन क्रिस्प हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अपने पकौड़े बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, गोल्डन क्रिस्प कर लिए हैं। अब हम अपने बाकी सारे पकौड़ों को इसी तरीके से गोल्डन क्रिस्प ब्राउन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी ये सभी आलू मेथी की क्रिस्प पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं।
आपको इन पकौड़ियों को बनाते वक्त बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जब आप अपने बैटर की पकौड़ियों को बनाते हैं तब आप अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए और जब आप अपने बैटर को डाल देते हैं तब अपनी गैस की फ्लेम को फुल कर लीजिए। अब हम इस पे लास्ट में चाट मसाला डाल लेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। चावल का आटा डालने की वजह से इसका क्रिस्पीनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।